नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइफ, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलगढीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना सेवन। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। आशा कर्मी के साथ हुए दुष्कर्म के प्रयास के आरोपियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर आशा कर्मियों ने दिया धरना। आशा कर्मियों के संघ ने करशंग संभाग के आशा कार्यकर्ता के साथ हुए दुष्कर्म के प्रयास के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग को लेकर आज प्रदर्शन किया। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने और आशा कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल आशा कर्मी संघ के सदस्यों ने सोमवार को सिलीगुड़ी महकुमा परिषद कार्यालय का घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन किया। आज के पश्चिम बंग आशा कर्मी यूनियन पक्ष के दार्जिलिंग जिला सीओमेजर का डेपुटेशन देवर जो इन्हें एसे सकले ही जानी गत 15 तारीखे कार्शियांग ब्लकर आशाकर्मी ओपरे जेधर पाशविक हमला हमला कर रास्त फेले दिए दुष्कृतरा चले ग तार प्रतिबादे आम्रा सेई दिन ही कार्शियांग ब्लके समस्त आशाकर्मीरा साथे साथे विक्षोभ कर्मसूची एवं सेई अभियुक्तेर ग्रेप्तारेर दाबी जानिएछि। आंदोलनेर चापे अभियुक्तके ग्रेप्तार करा हयेछे, किन्तु आम्रा चाई आजके गोटा राज्य जुड़े जेभावे मेयेदेर उपरे खून धर्षण ए धरनेर पाशविक अत्याचारेर मतन घटना घटछे, आशाकर्मी से कर्मक्षेत्र तार हच्छे साधारण मानुषेर बाड़ी बाड़ी गिये परिषेवा देवा। आम्रा जेटा देखते पाच्छि गोटा देश जुड़े ये मेरे ऊपर अत्याचार चलते आशाकर्मी तरह जाए आशाकर्मी क्ज जेधर क्ज रतरे हासपाले जो है परिसेवा देवर जो फले आशाकर्मी क्योंकि निरापत्तार चरम अभाव। ओईजे अभिजुक्त तर उपयुक्त तदंत कर कठोर शास्तर दाबी कर। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भाईचुंग भुटिया ने अपने नए फुटबॉल क्लब के बारे में दी जानकारी का। फुटबॉल खिलाड़ियों के लिए यूनाइटेड सिक्किम फुटबॉल क्लब में सीधे खेलने का मिलेगा मौका। भाईचुंग भुटिया ने पहाड़, तराई और डुवर्स के फुटबॉल खिलाड़ियों को यूनाइटेड सिक्किम फुटबॉल क्लब में सीधे खेलने का सुयोग दिया है। खिलाड़ियों को यूनाइटेड सिक्किम फुटबॉल क्लब में सीधे खेलने का मौका मिलेगा। इस बीच भाईचुंग भुटिया ने सोमवार को सिलीगुड़ी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने नए फुटबॉल क्लब के बारे में जानकारी दी। उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आप अच्छा खेलते हैं तो एक तरफ आपको सिक्किम फुटबॉल क्लब में प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने का मौका मिलेगा, वहीं दूसरी ओर उस क्लब की ओर से आई लीग खेलने का भी मौका मिलेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि पहाड़, तराई और डुअर्स के फुटबॉल खिलाड़ियों को मौका देने के लिए वह सिलीगुड़ी में एक फुटबॉल अकेडमी की शुरुआत करने जा रहे, जो 2 मई से सिलीगुड़ी के शालुगड़ा में शुरू की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि सालुगड़ा अकेडमी के अलावा सिलीगुड़ी से सटे शिव मंदिर में भी एक और अकेडमी की स्थापना की जाएगी। स्ट्रक्चर एंड देयर विल बी ऑलवेज फुल्ली स्पॉन्सर्ड स्ट्रक्चर एज वेल, सो लॉट ऑफ प्लेयर्स हु आर हाईली टैलेंटेड दे विल गो अंडर सिलेक्शन प्रोसेस अंडर आवर कोचेस, सो दे वुड बी गिवन कंप्लीटली स्पॉन्सर ऑन द फुटबॉल फील्ड। एक एकेडमी है तो रेसिडेंशियल है? रेसिडेंशियल एकुन स्टार्ट हुई नहीं, बट वी आर स्पीकिंग टू वेटन एंड वन और टू अदर स्कूल्स and even amar nijer je ground ta toyar koreche okhane land bagdora je niyeche I think will take another 1-2 years, so residential I think with the tie up schools ate only maybe this year, but nijer I think another 2 years we will have a full residential academy. ekhon je player gulo ke neya veteran er jonno ekti jara contribute korbe please effort korte hobe tara contribute korbe. Yes, ebar ei jara selected holo talented tader shonge ki agreement ta ki hobe naki netrobindu shonge agreement আমার সাথে ইউনাইটেড সিকিম সাথে, বিকজ ইউনাইটেড সিকিম সাথে প্লেয়ার যে ভালো থাকবে উই হ্যাভ টু রেজিস্টার আন্ডার 13 প্লেয়ার্স রেজিস্টার করতে হবে। নাও উইথ নিউ অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন যে যে প্লেয়ার্স ইউনাইটেড সিকিমে ট্রেন করবে খেলবে উই হ্যাভ টু রেজিস্টার দেম, বিকজ দেন দে আর আন্ডার আ পার্টিকুলার টিম রেজিস্ট্রেশন ইনক্লুডিং AIFF অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনও জানবে কি এইটা ক্লাবের আন্ডারে আছে, সো ইট উইল বি রেজিস্টার্ড আন্ডার আস, সো উই আর ওয়ার্কিং টুগেদার উইথ সালুগাড়া, but the players should be registered with us. Jara registered holo ebar jokhon era age develop korbe ebong ether improvement hobe
তখন এরা মেইন স্ট্রিমে চলে যাবে নিশ্চয়ই এরা যখন মেইন স্ট্রিমে যাবে তখন প্রফেশনাল স্ট্রিমে চলে আসবে তখন পেমেন্টের ক্ষেত্রে কি হবে তাই আই থিংক নিজের মেইন এম ইজ আই থিংক উই ওয়ান্ট দেম টু বি প্রফেশনাল প্লেয়ার নাও অনেক অনেক একাডেমিজ আছে আই থিংক ইন ইন্ডিয়া অ্যাজ ওয়েল আজকে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার পরে দে ডোন্ট হ্যাভ নেক্সট লেভেল ক্লাব পাচ্ছে না বাট ইয়ার হোয়াট ইউ হ্যাভ ইজ ইউ গট ইউনাইটেড সিকিম যে আই লিগ খেলবে উই গোন স্টার্ট প্লেইং সেকেন্ড ডিভিশন সো এনি ট্যালেন্টেড 17-18 বয় নিশ্চয়ই ওখান থেকেই প্ল্যাটফর্ম হয়ে যাবে ওয়ান অফ আর আই গিভ ইউ এক্সাম্পল আজকে ইউনাইটেড সিকিমের প্রোডাক্ট আছে সন্দেশ জিঙ্গম সন্দেশ জিঙ্গম আজকে ইন্ডিয়ান ফুটবলে হাইয়েস্ট পেড ফুটবলার আছে হি কেম টু আস এট 17 ইয়ার্স অফ এজ পাঞ্জাব থেকে আমি নিয়ে এসেছিলাম স্টেট ইউনাইটেড সিকিমের 5 সাল খেলে সো উই গেভ দ্যাট প্ল্যাটফর্ম ট্রেন করে তারপরে অ্যাট দ্য এজ অফ 20 হি স্টার্টেড প্লেইং ফর ইন্ডিয়া 21 উই গেভ হিম টু কেরালা ব্লাস্টার্স আইএসএল স্টার্ট হয়ে গেছে সো উই গেভ ইট টু আইএসএল ফুলবাড়ি ক্ষেত্র কি মহিলাও নে ভারতীয় জনতা পার্টি কে বিধায়ক শিখা চ্যাটার্জি কো দেখায়া কালা ঝান্ডা লগায়া গো ব্যাক কে নারে सिलीगुड़ी शहर से सटे फुलबाड़ी में भारतीय जनता पार्टी के सेवा सप्ताह अभियान के तहत डाबग्राम फुलबाड़ी की विधायिका शिखा चैटर्जी स्वच्छ भारत अभियान के तहत उक्त इलाके में शामिल हुई थी लेकिन विधायिका के शामिल होने से पहले फुलबाड़ी क्षेत्र की तृणमूल कांग्रेस की महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया इस दिन तृणमूल कांग्रेस पार्टी की महिलाओं ने विधायक को काला झंडा दिखाया और गो बैक के नारे भी लगाए और वहीं इलाके में धरना देना भी शुरू कर दिया महिलाओं के प्रदर्शन को देखते हुए तत्काल सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत एनजेपी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची जहां उनके द्वारा हालात को सामान्य किया गया इस बीच भारतीय जनता पार्टी की डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के विधायक शिखा चैटर्जी ने प्रदर्शनकारियों के विरोध का कोई महत्व नहीं देते हुए स्वच्छ भारत अभियान में शामिल हुई और इस प्रदर्शन को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है এই তৃণমূল কংগ্রেস যে বর্তমানে যা অবস্থা ওদের নিজেরা কাজ করবে না কাউকে কাজ করতে দেবে না সেবা সপ্তাহ ওরা কোনোদিন পালন করেও না বোঝেও না সেবা সপ্তাহ সম্পর্কে সুতরাং ওরা কীভাবে সব কিছুকে আটকানো যায় ভারতীয় জনতা পার্টিকে কীভাবে আটকানো যায় মানুষের সঙ্গে তাদের যাতে কোনোভাবে যোগ সাজস না হয় সেটার জন্য ওরা কালো পতাকা দেখিয়ে আমাদের বারণ করা দিয়েছিল আমাদের তো ওরা কালো পতাকা দেখাচ্ছে ওদের কাজ ওরা করছে আমরা মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করছি ওখানে পরিষ্কার করছি ব্লিচিং দিচ্ছি এই নিয়ে আমরা এগুলোতে কোনো গুরুত্ব দিই না দেখুন ভারতীয় জনতা পার্টি চিরকাল কাজ করে যাচ্ছে আগামী দিনেও কাজ করে যাবে কে ও পেছন থেকে অনেকে চিৎকার করে ওগুলো দেখুন ওরা খবর রাখে না তো বিধায়ক এখানে কতবার আসে বিধায়ক কী কাজ করছে এখানে যদি জানার চেষ্টা করে তাহলে অবশ্য জানতে পারে বিধায়ক যে কী করছে এখানে এখানে জলের পাইপ ফেটে বসেছিল কতদিন থেকে কর্পোরেশনের লোকের জলের অসুবিধা হচ্ছিল কই এখানে তো নেতা ক্যাঁপা সব আছে কেউ তো ওখানে যায়নি এর আগে তো মন্ত্রীও ছিল সেও তো এখানে 50 বার আসে একবারও তো যায়নি তখন কিন্তু এই বিধায়ক এসেই কিন্তু দেখেছিল এবং ব্যবস্থা করেছিল এই বিধায়কই গিয়ে কিন্তু ওই ইয়েতে বিধানসভায় উঠিয়েছে অন্য কেউ না যা কিছু করে বিধায়কই করে এখানে কেন বিক্ষোভটা করছে এই কারণেই যে হচ্ছে শিখা চ্যাটার্জি উনি বিধানসভা ভোটের পরে এই প্রথমবার ফুলবাড়িতে এসেছেন উনি ব্লিচিং পাউডার ছিড়াতে এবং ঝাড়ু দিতে উনি জনগণের ভোট নিয়ে যে উনি ভোটে জিতেছেন উনি কি উন্নয়নটা করেছেন ফুলবাড়িতে শিখা ফুলবাড়িতে শিখা চ্যাটার্জিকে চাই না মানছি না মানবো না শিখা চ্যাটার্জি चाय पत्ती से लदे कंटेनर में हो रही थी गांजे की तस्करी पुलिस ने तस्करी को किया नाकाम चालक को किया गिरफ्तार चाय पत्ती से लदे कंटेनर में गांजे की तस्करी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है वहीं पुलिस ने उक्त कंटेनर के चालक को गिरफ्तार भी कर लिया है वहीं आरोपी का नाम विपुल दास बताया जा रहा है वह मालदा जिले के चांचल का रहने वाला बताया जा रहा है मिली जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी पुलिस अंतर्गत फांसीदेवा थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर झमकलाल जोत संलग्न इलाके में नाका चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान पुलिस ने असम से कोलकाता जा रही एक कंटेनर को रोका और उक्त कंटेनर की तलाशी ली गई जहां तलाशी के दौरान 23 किलो गांजा एक गुप्त चैम्बर से बरामद किया गया इसके बाद तत्काल कंटेनर के चालक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आज उक्त आरोपी को सिलीगुड़ी महकुमा अदालत में पेश किया गया जहां
फांसी देवा थाने की पुलिस पूरे घटना की जांच शुरू कर दी है। करशंग में हुए दुष्कर्म की घटना के विरोध में आशा कर्मियों ने किया प्रदर्शन, जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने में सौंपा गया ज्ञापन। करशंग में हुए आशा कर्मी के साथ दुष्कर्म के प्रयास की घटना के विरोध में लगातार पूरे उत्तर बंगाल में प्रदर्शन की लहर दौड़ पड़ी है। इसी क्रम में जलपाईगुड़ी जिले में स्वस्थ कर्मचारी संघ ने हाल ही में करशंग जिले में हुए आशा कर्मी पर हिंसक घटना के विरोध में प्रदर्शन किया गया। साथ ही साथ जलपाईगुड़ी जिले के सभी स्वस्थ कर्मियों की सुरक्षा की मांग करते हुए कोतवाली थाने में एक ज्ञापन भी सौंपा गया। जलपाईगुड़ी जिले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता संघ की अध्यक्ष नेहा बेगम ने कहा, हम डरे हुए हैं, इसलिए हम करशंग की घटना में शामिल लोगों के लिए कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने के साथ साथ अपनी सुरक्षा भी चाहते हैं। और इसी मामले को लेकर आज संघ के द्वारा प्रदर्शन और ज्ञापन भी पुलिस प्रशासन को सौंपा गया है। डेपुटेशन का मूलत आशा कर्मी सहकर्मी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट कार्सियांग आशा गाड़ी ड्राइवर निरापत्तार अभाव धर्षण कर সেই কারণেই আর কি আমরা আমাদের নিরাপত্তা এবং তার যে দোষী তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি জন্য আমরা এখানে এসেছি। কবে হয়েছিল ঘটনাটা, কি হয়েছিল একটু যদি বিস্তারিত বলেন? 10 তারিখে হয়েছিল। আচ্ছা, কি হয়েছিল? তিনি গাড়িতে যখন ড্রাইভারের সাথে ফিরছিলেন ঠিক সেই মুহূর্তে ড্রাইভার তাকে একা পেয়ে তার নিরাপত্তার অভাব দেখে তাকে ধর্ষণ করে এবং গাড়ি থেকে বাইরে ছুড়ে ফেলে। আমরা চাইছি যে সেই দোষীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক এবং আমাদের যে সেই সেলিনা তার যে উপর অত্যাচার হলো সে একটা ন্যায় বিচার পাক এবং আমরা যে কর্মক্ষেত্রে যে আমরা কাজ করি সেই কাজ করতে গিয়ে আমরা অনেক সময় নিরাপত্তার অভাব বোধ করি। আমরা রাত্রিবেলায় মাদার স্পট করি, তখন আমরা ফেরার পথে আমরা কোনো রকম নিরাপত্তা পাই না, আমাদের একা ফিরতে হয়। সেই সময় আমাদের কোনো মেয়ে ধর্ষিতা হয় নাকি সেই আতঙ্কে আমরা আজকে আতঙ্কিত। লেদে ছোট সা ব্রেক কই যাইয়ে কা মত বনে রিয়া হামারে সাথ। কি তপাইলে সিলিগুড়ি মা ঘর লিনে সোচিরনু ভাইকো ছো? याद राख्नुहोस्, घर राम्रो बनेको होस्, छिमेकी पनि राम्रो होस् अनि स्थान पनि सही होस्। चम्पासरी स्थित मनकामना सेवेन यी सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ। यहाँ 30 देखि 45 लाख भित्रमा 2 BHK देखि 3.5 BHK सम्म फ्ल्याट पाउन सक्नुहुनेछ। ल्यान्डस्केप इम्युनिटिजका साथमा रूफटप इम्युनिटिज र स्काई वकको सुविधा पनि रहनेछ। चाँडो गर्नुहोस्, 15 अप्रेलदेखि यसको मूल्य वृद्धि हुनेछ। मनकामना सेवेन, सम्पर्क नम्बर 9593517500, चम्पासरी सिलगढी। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760-830-848-58। इनसाइड स्टोरी लोकेटेड एट प्लैनेट मॉल बेसमेंट। वी हैव ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ ट्रायंफ, पैडेड ब्रा, नॉन पैडेड ब्रा, स्पोर्ट्स वेयर। अमांते हैज लॉट ऑफ इनरवेयर एंड लॉन्जरीज, ऑल प्रोडक्ट ऑफ इनामोर अवेलेबल विद डिस्काउंट। We have special discount on Jockey. We have ready stock of Jivami online product at online prices. Bathroom, PJ set, room nightie, bedroom night suit, swimsuits, bralette, straps, swimming goggles, patient tip, accessories. Inside story located at Planet Mall basement. महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हैवल्स गोल्ड मेडल, आरआर कैबेल्स, क्रेबट्री, लेग्रेंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। Thank you.
खबरें विस्तार से। डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट यानी ईडी के द्वारा बड़ी कार्रवाई। एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड की करोड़ों की संपत्ति हुई कुर्क। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस बीच बताया गया कि एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड की 757.77 करोड़ रुपयों की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। कुर्क की गई संपत्तियों में तमिलनाडु के डिंडिगुल जिले में एमवे की भूमि और कारखाना भवन समेत मशीनरी वाहन बैंक खाते और सावधि जमा शामिल है। इस बीच ईडी के द्वारा बताया गया कि एमवे की 411.83 करोड़ रुपयों की चल अचल संपत्ति और कंपनी के 36 अलग अलग बैंक खातों में जमा 345.94 करोड़ रुपयों का बैंक बैलेंस अटैच किया गया है। एमवे कंपनी पर आरोप है कि उसने लाखों लोगों को अपनी स्कीम लुभावने वादे देकर बेच दी और उससे करोड़ों रुपए कमाए। इस बीच ईडी ने बताया कि एमवे इंडिया की ओर से लोगों को बताया गया था कि कैसे नए मेंबर्स को जुड़ने से वे अमीर हो सकते हैं। इसके जरिए किसी उत्पाद की बिक्री नहीं की जाती थी। ईडी ने कहा कि कुछ उत्पादों का इस्तेमाल यहां दिखाने के लिए किया जाता था कि एमवे कंपनी डायरेक्ट सेलिंग का काम करती है। जानकारी मिली है कंपनी की संपत्तियों को ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जब्त किया गया है। कूचबिहार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में काल बैसाखी तूफान ने मचाई तबाही। दो लोगों की गई जान, कई लोग हुए घायल, कई घरों को किया क्षतिग्रस्त। कूचबिहार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में काल बैसाखी तूफान ने हड़कंप मचा दिया है। वहीं जानकारी मिली है कि दो लोगों की मौत हुई है जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल होने की जानकारी मिली है। वहीं रविवार शाम काल बैसाखी तूफान से कूचबिहार इलाके के कई क्षेत्र पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कूचबिहार 1 नंबर ब्लॉक और माथाभंगा 2 नंबर ब्लॉक सहित कई इलाके तूफान की चपेट में आए हैं। साथ ही साथ विभिन्न घरों में भी तूफान का असर देखने को मिला। विभिन्न क्षेत्रों पर बिजली के खंभे टूट गए, कई घर क्षतिग्रस्त हो गए। मिली जानकारी के अनुसार कूचबिहार जिले के 1 नंबर ब्लॉक के मऊआमारी ग्राम पंचायत और सुकटा बाड़ी के एक निवासी की मौत हुई है। वहीं तूफान थमने के बाद प्रशासन के द्वारा राहत कार्य चलाया गया जहां घायलों को बरामद कर एमजीएम मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में ले जाया गया। वहीं आपदा प्रबंधन की टीम और प्रशासन तूफान प्रभावित इलाकों में पहुंचकर बचाव कार्य शुरू कर दिए है। माने भाषा प्रकाश करते पाछी ना, 7টার দিকে আনুমানিক 20 মিনিটের একটা ঘূর্ণি ঝড়, সেই ঝড়ে অতর্কিতে মানে বাড়ি ঘর স্কুল এবং যা বাসস্থান গাছগাছরা ইলেকট্রিকের পোল সব ঝড়ে একদম তছনছ করে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেছে। ইতিমধ্যে দুজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যাচ্ছে। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি আমরা পাশেই 18 বছর একটা ছেলে, সেও টিন লেগে বাড়িটি ঘরের টিনে এবং দেওয়াল চাওয়া পরে টিনে একজন মারা গেছে পালপাড়ায়। ওখানে 55 বছর বয়সী আরও একজন ভদ্রলোক মারা গেছে আর কয়েক মানে শতাধিক মানুষ মহিলা পুরুষ সহ বাচ্চা সহ তারা গুরুতর অসুস্থ আহত। আলিপুরদুয়ার মে বিজলি সেবা কি মাং কো লেকার লোগো নে কিয়া সড়ক জাম। सामान्य बिजली सेवा की मांग को लेकर स्थानीय वासियों ने सड़क जाम कर दिया। 5 दिनों से क्षेत्र में बिजली नहीं होने के कारण क्षेत्र के लोगों ने पथावरोध कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अलीपुरद्वार जिले के शमुकतला नेशनल हाईवे के जोराकुआ और पाइपलाइन क्षेत्र में 5 दिनों से बिजली गुल है। इसीलिए सोमवार की सुबह स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया। वहीं सड़क के अवरोध किए जाने के बाद उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग में यातायात भी ठप हो गया और ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं इस घटना की जानकारी शमुकतला थाने की पुलिस को मिलते ही तत्काल पुलिस भारी बल के साथ वहां पहुंची और परिस्थिति को संभालने के लिए लोगों से बातचीत शुरू कर दी। इस बीच लोगों ने पुलिस को कहा कि यदि बिजली विभाग के अधिकारी वहां पहुंचकर समस्या का समाधान नहीं करते तब तक वे पथावरोध करते रहेंगे। आखिरकार घटना की जानकारी मिलते ही बिजली विभाग के प्रबंधक मौके पर पहुंचे और बिजली सेवा पुनः बहाल करने का आश्वासन दिया गया और लोगों ने पथावरोध समाप्त कर दिया। कारण
কারেন্ট আসলে কত বড় দুর্ঘটনা হাই সেকেন্ডারি পরীক্ষা কত বড় দুর্ঘটনা স্টুডেন্ট এই জায়গাটার নাম কি জোরাকুয়া আপনার নাম আমার নাম নমিতা রায় भारी तूफान और ओलावृष्टि के कारण प्रभावित हुए लोगों ने मदद की मांग को लेकर बीडीओ कार्यालय के सामने दिया धरना। रविवार की दोपहर को उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर में हुए ओलावृष्टि और भयावह तूफान से विभिन्न गांव क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इन सभी गांवों के लोगों ने मदद की मांग को लेकर आज इस्लामपुर बीडीओ कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। उन्होंने दावा किया कि उनके घर और फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है, जहां उन्होंने कर्ज लेकर विभिन्न फसलों को लगाया था और भारी तूफान के कारण उनके बीघा दर बीघा जमीन में लगे फसल नष्ट हो गए हैं, जिससे उन्हें अब कर्ज चुकाना बेहद परेशानी का सबब बनेगा। इसी मामले को लेकर उन्होंने प्रखंड विकास अधिकारी व अन्य अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। मिली जानकारी के अनुसार आंधी तूफान के बाद भी प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिलने पर आक्रोशित लोगों ने अपनी मांगों को लेकर इस्लामपुर प्रखंड विकास अधिकारी के सामने खड़े हो गए। आपको बता दें कि इस्लामपुर के गुजरिया गैसल एक नंबर ग्राम पंचायत, गैसल दो नंबर ग्राम पंचायत, पंडित पोता एक व दो नंबर ग्राम पंचायतों के विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुए हैं। वहीं इस बीच बताया गया कि पंचायत समिति के अध्यक्ष श्यामल सरकार ने आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है। এরকম আছে, সেই লোনটা আমরা কি করে পরিশোধ করব আর কি করে আমরা বাঁচব? শীল পরে আমাদের ঘরের ফ্যান পর্যন্ত নাই। দলকে কি আলু চাষের জন্য লোন দিতে? আমি আজ কি চাচ্ছেন তো আপনারা? আজকে চাচ্ছি আমাদের থাকার মধ্যে একটা জায়গা করে দিক ঘর, তারপরে আমাদের লোনটা শোধ করে দিক। আমরা কিভাবে বাল বাচ্চা ওদের পড়াবো? আমাদের কোনো পরিস্থিতিই নাই। কোথা থেকে আসছেন? আমি শ্যামনগর কলোনি থেকে আসছি। কি নাম আপনার? আমার নাম লতিকা বালা। আপনার দলের নাম কি? বিবেকানন্দ স্বর্ণজয়ন্তী মহিলা। এখানে 15-17টা দল আছে। মহিলা সমিতি দলের থেকে লোন নিয়েছি, স্বনির্ভর দল থেকে আমরা দল মুকুব করাতে চাই আর আমাদের ঘর বাড়ি একটু দেখে আসি। আমাদের ঘর বাড়িতে থাকার মতো পরিস্থিতি নাই এখন। আমাদের ছেলে মেয়ে নিয়ে কি করে খাবো, কি করে বাঁচবো, আমাদের কোনো উপায় নাই। আমরা বলতাম যে আমাদের ভিডিও সাহেব কোনো সাহায্য করবেন, কিন্তু এখনো এখন আমরা কোনো সেই আশা পাই। আমাদের গ্রামের মেম্বারও পর্যন্ত যায়নি, আমাদের মেম্বারও কোনো সাহায্য করছে না। আমাদের মেম্বার নাকি আরো বলছে আমাদের ভোট কিনে নিয়েছে। কিনে নিয়েছে আমরা কি করতে পারি? আমাদের তো কোনো সরকারি সাহায্য এর আগে চাইনি, আমাদের এখন সাহায্য চাই। কোথায় বাড়ি আপনাদের? শ্যামনগর কলোনি। কোন পঞ্চায়েত? পণ্ডিত পোতা। মেম্বার কে? শুক্লা। দাবি করছি এখন আমরা চাই আমাদের আলিপুর দুয়ার মে বিজলি সেবা কি মাং কো লেকার লোগো নে কিয়া সড়ক জাম। সামান্য বিজলি সেবা কি মাং কো লেকার স্থানীয় বাসিও নে সড়ক জাম কর দিয়া। 5 দিনों से क्षेत्र में बिजली नहीं होने के कारण क्षेत्र के लोगों ने पथावरोध कर दिया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अलीपुर द्वार जिले के शमुकतला नेशनल हाईवे के जोराकुआ और पाइपलाइन क्षेत्र में 5 दिनों से बिजली गुल है। इसीलिए सोमवार की सुबह स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़क जाम कर दिया। वहीं सड़क के अवरोध किए जाने के बाद उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग में यातायात भी ठप हो गया और ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। वहीं इस घटना की जानकारी शमुकतला थाने के पुलिस को मिलते ही तत्काल पुलिस भारी बल के साथ वहां पहुंची और परिस्थिति को संभालने के लिए लोगों से बातचीत शुरू कर दी। इस बीच लोगों ने पुलिस को कहा कि यदि बिजली विभाग के अधिकारी वहां पहुंचकर
समस्या का समाधान नहीं करते तब तक वे पथावरोध करते रहेंगे। आखिरकार घटना की जानकारी मिलते ही बिजली विभाग के प्रबंधक मौके पर पहुंचे और बिजली सेवा पुनः बहाल करने का आश्वासन दिया गया और लोगों ने पथावरोध समाप्त कर दिया। आज के আমরা এখানে একটা ক্যাম্প করেছি যেখানে আমরা যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের কাছে আসছেন তাদের আমরা মেম্বারশিপ গ্রহণ করছি। কোন পার্টির এটা? এটা আম আদমি পার্টি। কবে থেকে শুরু হলো এটা? বেশ কিছু মালদা জেলায় বেসিক্যালি অনেক জায়গায় হয়েছে, বৈষ্ণবনগরে হয়েছে, মথুরাপুরে হয়েছে, রতুয়াতে হয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুরে হয়েছে। আপনাকে ইতনা হি মুঝে দিজিয়ে ইজাজত। তমাম খবরো আর আপডেটস কে লিয়ে দেখতে রইয়ে বনে রইয়ে এসকে লাইফ কে সাথ। ধন্যবাদ।